26 जनवरी 2021 भारत का 72वां गणतंत्र दिवस उत्तराखंड राज्य में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। पेश है समारोह के कुछ मुख्य अंश। स्वागत कीजिए तालियों से आज की इस भव्य परेड का। मंच के बाएं से आती यह भव्य गणतंत्र दिवस परेड परेड के प्रथम कमांडर के रूप में गर्व और शौर्य के भाव चेहरे पर लिए कैप्टन रुचिर कोहली 20 कुमाऊं रेजिमेंट 2018 बैच आईएमए से पास आउट। परेड के सेकेंड इन कमांड के रूप में दृढ़ता और विश्वास के भाव चेहरे पर लिए निरीक्षक दीपक सिरोही 23 बटालियन आईटीबीपी। परेड कमांडर के हाथों में क्रिच, कदमों में साहस, सहस्त्रों सूर्य को साथ चलने का एहसास और मंच की बाएं से पराक्रमों विजय थे उद्घोष कालिका माता की जय लिए 20 कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता 3 शौर्य चक्र 11 सेना मेडल नायब सूबेदार रमेश पाल के नेतृत्व में और इसके बाद आईटीबी निगा दस्ता पूर्ण जोश खरोश में अगुवाई कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रमोद कुमार। मित्रता सेवा सुरक्षा मानवतावादी संवेदनशील पुलिस उत्तराखंड पुलिस का दस्ता उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री संजीव कुमार के नेतृत्व में। अगली टुकड़ी सर्वत्र विजय सर्वस्व बलिदान आईआरबी का दल उप निरीक्षक श्री मनीष प्रभाकुरी की अगुवाई में और जिसकी धुनी राष्ट्रभक्ति की अलग जगा दे लहू का रंग और सुर्ख कर दे कर्णप्रिय स्वर धुन 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट का पाइक बैंड बैंड मेजर हवलदार श्री मंगल सिंह एवं 46वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर का ब्रास बैंड बैंड मेजर पीसीबी श्री दिनेश चंद की अगुवाई में। अपने मजबूत यादों नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन 40वीं वाहिनी महिला दल बिहार का नेतृत्व प्लाटून कमांडर सुश्री रीना नेगी और अगला दस्ता विपरीत परिस्थिति का सामना करने को तैयार प्रांतीय रक्षक दल नेतृत्व प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी श्रीमती विनीता नौटिया सम्मान मंच से गुजरते हुए। अगला दल होमगार्ड्स प्लाटून कमांडर अजीत सिंह थापा के नेतृत्व में। जोश राष्ट्र प्रेम का प्रतीक गौरव सेनानियों का कंटिंजेंट जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं सुबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन सुधीर कुमार शाही। ससम्मान मंच की ओर देखते हुए इन गौरव सेनानियों का दस्ता और अगला कंटिजेंट उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल उप निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में और उत्तराखंड व्यवस्था को संचार के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती संचार विभाग की टुकड़ी आरएमओ श्री प्रमोद बेटीवाल के नेतृत्व में और दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग अगवानी उप निरीक्षक वीर सिंह के नेतृत्व में। अग्रिम क्रम पर है प्लाटून त्राणाय सेवा मही के उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व FSSO श्री सुरेश चंद्र रवि और अल्प समय में अपनी विशेष पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री राजेश बिष्ट। तो शेर हिंद आगे बढ़ मरने से तू कभी न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। मात्र शक्ति ने हमेशा गरिमा दी है समाज को बैंड मेजर भगवती के नेतृत्व में ये पाइपर बैंड वादकों का समूह उत्साह से भरे उत्सव में ये दोनों चौगुने वृद्धि कर देते हैं। अक्टूबर को हम हिम तेंदुआ के संरक्षण दिवस को मनाते हैं। वन विभाग प्रयासरत है इनकी गणना के लिए। 2018 से सिक्योर हिमालय परियोजना चल रही है। आजीविका संवर्धन संरक्षण सतत उपयोग उच्च हिमालयी तंत्रों का पुनर्स्थापन हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एस
SDRF के दल की COVID-19 आपदा के दौरान सराहनीय मानवीय कार्यों से जन जन के मन में स्थान बनाया है SDRF ने। लॉकडाउन और अनलॉक प्रक्रियाओं के दौरान देश भर से 7 लाख से अधिक प्रवासियों को सकुशल एवं सुरक्षित गृह राज्य पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी SDRF ने। जोली ग्रांट में कंट्रोल रूम की स्थापना, 1 लाख से अधिक लोगों की समस्या का निस्तारण किया गया, भोजन पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर्स आदि के वितरण में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान। COVID-19 अवधि की सेवा हेतु इस अवधि में जो उत्कृष्ट सेवा SDRF ने दी है उसी के अंतर्गत स्कॉच अवार्ड से सम्मानित है SDRF। हमारे बाएं ओर से मैदान में प्रवेश कर रही है ग्राम्य विकास विभाग एवं उरेडा विभाग की झांकी, वोकल फॉर लोकल, ये अंकित है इस झांकी के मस्तक पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सभी जनपदों में चलाई जा रही है। आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एकत्र किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाया जाता है। LED ग्रोथ सेंटर, सरस सेंटर्स और बेकरी आउटलेट्स के माध्यम से समूहों के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, ये झांकी हमें बता रही है। बारी आती है स्मार्ट सिटी देहरादून की। हम दृष्टि डाल रहे हैं अपने बाईं ओर, दर्शकगण स्मार्ट सिटी देहरादून की झांकी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। और इस झांकी में दृष्टिगोचर है कलेक्ट्रेट परिसर में प्रस्तावित ग्रीन बिल्डिंग की प्रतिकृति, उत्तराखंड की प्राचीन स्थापत्य वास्तुकला, भवन के भीतर अधिक से अधिक प्रकाश, अधिक से अधिक हवा, इस प्रकार का भवन निर्माण है जहां ऊर्जा की खपत तो होगी लेकिन बहुत कम, तो ऊर्जा की खपत बचाएगी और मानसिक और दैहिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस 9 मंजिले भवन में कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी कार्यालय होंगे। सभी सरकारी कार्यालय एक साथ होंगे तो समन्वय में सुविधा होगी जनता को और हम सभी कार्मिकों को। आकर्षक फुटपाथों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए रोचक और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था, प्रदूषण मुक्त CCTV लेस इलेक्ट्रिक बस है। दृष्टिगोचर है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा राजपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य, बहुत ही आकर्षक ये पार्क हमारे सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला के भव्य दर्शन कराएगा। वुडलैंड गार्डन, नेचर गार्डन, सेंसरी गार्डन, टॉपरी गार्डन, संदेश दे रहे हैं वन संरक्षण, जन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का। संस्कृति और इतिहास का प्रदर्शन गंगा अवतरण को मल्टीमीडिया लाइट एंड साउंड से दिखाया जाना है। वन संरक्षण हेतु आकर्षक स्कल्पचर गौरा देवी और चिपको आंदोलन नारायण अग्रभाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदारनाथ तपस्थली, नमामि उत्तराखंडम, हिमालय पर्वत श्रृंखला। मेरा विद्यालय, मेरा गौरव, हमारे नजदीक आता हुआ
मध्यान्ह भोजन योजना। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उन्हें एक अच्छी आदत विकसित करने का अवसर भी मिलता है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन फोर्टिफाइड ताजा मीठा दूध बच्चों को दिया जाता है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय आर्थिकी एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्ति के लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय सेवारत है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की अवधारणा को साकार करते हुए अब प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। भारत और उत्तराखंड की परंपराओं का वैशिष्ट्य रहा है कि हम अतिथियों को देवता के रूप में पूजते हैं। उत्तराखंड राज्य की यात्रा पर आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को राज्य की संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा और यहाँ के व्यंजन, यहाँ के परिवेश से परिचित कराते हैं हमारे होम स्टे। होम स्टे योजना के अंतर्गत हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं और स्वयं को गौरवान्वित अनुभूत करते हैं। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम स्टे का विकल्प उभरा है, जहां भवन स्वामियों के आय में, उनकी आय के साधनों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं देश विदेश में उत्तराखंड चर्चित हो रहा है। स्थानीय स्तर पर आय के साधन सृजित हो रहे हैं। हमारे सामने उत्तराखंड की जलवायु विशेष फलों के लिए, विशेष शाक सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उद्यान विभाग का ये प्रदर्श हमारे सामने आ रहा है, जिसमें अंकित है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। बहुत ही आकर्षक सजाया सवारा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के संकल्प से सिद्धि के अंतर्गत कृषकों की आय 2022 तक दोगुनी करने की दिशा में उद्यान विभाग कार्य कर रहा है। अब बारी आती है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की। वर्तमान संदर्भ में तो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है सुश्रुत संहिता के अनुसार कि चिकित्सा विज्ञान उस अगाध वरिधि के समान है, जिसका वर्णन एक तो क्या सहस्रों श्लोकों में भी नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तर्ज पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है COVID-19 बचाव उपाय, सही भोजन, बेहतर भोजन। इस सबको प्रदर्शन करते हुए ये झांकी हमारे सामने है। हमारे प्रबुद्ध निर्णय इन सभी झांकियों की अंकना कर रहे हैं। अब राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, जनता को जागरूक करना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहतर भोजन, ये सब इस कथा वस्तु में शामिल है। जून 2020 से अब तक 163.45 करोड़ की लागत से 2627 इकाइयां बैंकों से स्वीकृत हैं और 1591 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 198 करोड़ रुपया स्वीकृत है। 2098 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं और 1394 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इन योजनाओं से कृषि आधारित उद्यम, डेयरी, बेकरी
पोल्ट्री, फिशरी, बकरी पालन, मौन पालन सेवा और विनिर्णायक क्षेत्र की 2985 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। हमारे ठीक सामने बाईं ओर से प्रविष्ट हो रहा है चमोली जनपद का पौणा नृत्य। इस दल ने अखिल भारत में 27 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस दल ने अर्जित किए कई कई सम्मान के साथ कलाकारों का मान उत्साह वर्धन करें प्रस्तुत है कौन है। हमारे सम्मुख अब उपस्थित होने जा रहा है उत्तर काशी का नृत्य दल। इस दल के कार्यक्रम की विशेषता है कि राज राजेश्वरी की डोली सबसे आगे। हमारे उत्तर काशी क्षेत्र में वैशाख मास में 10 की पट्टी अर्थात 8 गांव में एक महीने तक भ्रमण करती है राज राजेश्वरी की डोली और हम सभी इस कार्य में भक्ति भाव से लीन रहकर रत रहते हैं। अब हम चलते हैं सीमांत जनपद पिथौरागढ़। ये दल है पिथौरागढ़ जनपद के हिम पुत्रों का सीमांत गांव गुंजी। ग्रामवासी अपने इष्ट देव टिप्पा चियबजे की पूजा करते हैं। पूजा के उपरांत अपने खेतों में बुआई का कार्य करते हैं। बुआई हो चुकी है तो ग्रामीण अपने पालतू पशुओं जुप्पू या को ओम पर्वत नाभिडांग के बुग्यालों में ले जाते हैं। पशु ग्रीष्म काल में इन बुग्यालों में ही रहते हैं। प्रसन्न होकर याक जिसे हम जुप्पू कहते हैं उछल उछल कर नृत्य करते हैं और अब ग्रामीण भी जुप्पू की खुशी में शामिल होकर स्वयं नृत्य करने लगते हैं। प्रकृति की उपासना के पर्व के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के सांगीतिक प्रस्तुतियां सीमांत जनपदों में होते रहती हैं। विभिन्न संस्कृतियों को प्रदर्शित करते हुए चक्राता से आए हैं कलाकार जनपद देहरादून। यमुना और टॉस वैली में जौनसार, जौनपुर, पर्वत, पंजगय क्षेत्रों में जौनसारी जाति रहती है। हारुल नृत्य में महिला पुरुष महासु देवता का स्मरण करते हैं और किसी भी कथा वस्तु में सामाजिक लोक गाथा में गाते हैं अर्धचंद्राकार घेरे में। स्वागत कर रहे हैं जनपद अल्मोड़ा के छोलियारों का। छोलिया नृत्य की परंपरा के पीछे एक कथानक है। यहाँ तो कई कहानियां गढ़ी गई हैं, लेकिन कहा जाता है कि सुई राज्य के राजा की पुत्री पर जब आसक्त हो गए थे चंद राजा,
तो सुई राज्य के राजा ने मना कर दिया। राजपूत ढाल तलवार लेकर गए, युद्ध हुआ और सुई राज्य का राजा पराजित हुआ। उसकी कन्या से चंद राजा का विवाह हुआ और खुशी हर्ष और उल्लास में ढाल और तलवारों के साथ नृत्य करते हुए अपने चंदों की राजधानी में लौटे राजपूत, और तब से इस नृत्य की परंपरा जारी है। इसी दल ने नवोदय विद्यालयों के 175 बच्चों को एक साथ छोलिया नृत्य में पारंगत कर दिल्ली में सफल प्रदर्शन किया। मस्तिष्क और शक्ति के तालमेल और समन्वयन का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है छोलिया। रणसिंगा, तुतुरी, ढाल, तलवार, नगाड़े, झांझ, मशक भी आवश्यक अंग हैं छोलिया के। समारोह के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य द्वारा सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान पर है श्री कमल सिंह पवार, पुलिस उपाधीक्षक SDRF उत्तराखंड। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश त्यागी, निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड। इसके पश्चात मंच पर सादर आमंत्रित श्री राम नरेश शर्मा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद देहरादून। और आज की मार्च पास्ट परेड में सम्मिलित दस्तों का निर्णायक मंडल द्वारा परिणाम तैयार किया गया है, जिसका परिणाम हमारे पास है। इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड पुलिस के दस्ते द्वारा, जिसके लिए हम आमंत्रित करते हैं उप निरीक्षक संजीव कुमार। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ITBP के दस्ते द्वारा, प्रसन्नतापूर्वक हम आमंत्रित करते हैं ITBP से निरीक्षक ITBP दीपक सिरोही तथा प्लाटून कमांडर श्री प्रमोद कुमार। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है गौरवपूर्ण और शौर्य के ये क्षण हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आर्मी का दस्ता कैप्टन रुचिर कोहली 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट एवं नायब सुबेदार श्री रमेश पाल 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट। जबकि विभिन्न विभागों की झांकियों को भी आज मूल्यांकित किया गया है। इसमें तीसरे स्थान पर जो झांकी ने स्थान प्राप्त किया है शिक्षा विभाग, और इसी क्रम में दूसरे स्थान पर रही है देहरादून स्मार्ट सिटी की झांकी। जबकि प्रथम स्थान 110 अंकों के साथ प्राप्त किया है ग्राम्य विकास, और 110 अंकों के साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वास्थ्य विभाग। ग्राम्य विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग ये दोनों ही प्रथम स्थान पर।